गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ पुनीत अग्रवाल एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 4 टेबल्स इन फॉर 2016 एज पार्ट 1। स्टूडेंट्स, एज यू नो आई डिवाइड दिस चैप्टर इनटू सम पार्ट्स बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर कंटेनिंग इन पार्ट 1। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, टेबल्स इन वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स का किस तरह से हम यूज करते हैं आज हम सीखेंगे। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज टेबल्स। अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज फॉर्मिंग अ सेल वेयर दे जॉइन टूगेदर। स्टूडेंट्स, टेबल डाटा का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज में कन्वर्ट होता है और इनसे मिलकर जो एक फॉर्म बनता है उसे सेल कहते हैं। ये सभी आपस में जॉइन होते हैं और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल। Columns are the vertical sections of the table, whereas rows are the horizontal section of the table. The top row in the table is usually used as the table header. Cells are the individual squares in which you place text, images, or graphics. Students, as you see on the screen, यहाँ पर मैं आपको highlight करके दिखा रहा हूँ एक rectangular box में कॉलम्स किस तरह से यहाँ पर अरेंज होते हैं और ये वर्टिकल सेक्शंस कहलाते हैं टेबल के अंदर, जबकि रॉ हॉरिजॉन्टल सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको हाईलाइट करके शो किया हुआ है रेड कलर में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इट शोज रॉ, ये टेबल की रॉ को शो करता है जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में यहाँ पर स्टेटेड है। टॉप रो इन द टेबल इज यूजुअली एज द टेबल हेडर। मैंने अभी आपको बताया टेबल हेडर कहलाता है जो टॉप रो होती है हमारी टेबल के अंदर, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो रो होगी उसको हम टेबल हेडर के नाम से जानते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड सेल्स आर इंडिविजुअल स्क्वायर्स इन विच यू प्लेस टेक्स्ट इमेज और ग्राफिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ऐसे इंडिविजुअल स्क्वायर्स होते हैं जिनके अंदर आप यहाँ पर टेक्स्ट इमेज और ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेट टॉपिक एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि टेबल के अंदर किस तरह से डाटा एंटर किया जाता है, तो आइए देखते हैं। टू एंटर डाटा इन अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम टेबल के अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम टेबल के अंदर डाटा एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक इन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ कि टेबल जिस तरह से एंटर की हुई है इसके अंदर जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर हम इसमें क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद हम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो जो कुछ हम लिखेंगे वो सब उस सेल के अंदर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ देन स्टेप नंबर 2, टू मूव टू द नेक्स्ट सेल प्रेस द टैब की। अगर हम नेक्स्ट सेल पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम कीबोर्ड से टैब की का यूज करते हैं। टैब की का यूज करके हम इंडिविजुअली क्लिक करके या फिर टैब की का यूज करके नेक्स्ट सेल पर जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ सेपरेट सेल्स में वन बाय वन यहाँ पर हम डाटा टाइप कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ टेबल। अभी हमने डिस्कस किया कि टेबल क्या होती है। टेबल के अंदर रो और कॉलम का एक फॉर्मेट होता है जिनसे बनता है एक सेल। अब ये टेबल कैसे इंसर्ट की जाती है ये भी हमें आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते समय
टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, आइए देखते हैं। इन वर्ड 2016 यू कैन इंसर्ट अ टेबल बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। वर्ड 2016 में अगर एक टेबल को हमें इंसर्ट करना है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप वन, इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होगा। वर्ड एप्लीकेशन को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ओपन करते समय ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच यू वांट टू ऐड अ टेबल और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर टू फॉलो करना होगा कि डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जहां पर भी जिसमें हम टेबल को ऐड करना चाहते हैं। इट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट पहले से ही अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव है तो हम उसे ओपन कर लेंगे, अदरवाइज हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। नाउ स्टेप नंबर थ्री, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। हमें यहाँ पर कर्सर को प्लेस करना होगा जहां पर भी हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। देयर आर मेनी वेज टू इंसर्ट अ टेबल इन वर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स स्पेशल बात यह है कि हम वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यहाँ पर दिया हुआ है यूजिंग ग्राफिक ग्रिड। ग्राफिक ग्रिड का यूज करके हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जानेंगे किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग ग्राफिक ग्रिड फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स इसके लिए हमें फॉलो करने होंगे। स्टेप वन, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पर क्लिक कर देंगे, देन क्लिक ऑन टेबल ड्रॉप डाउन एरो इन टेबल स्क्रोल। अ टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। जैसे ही आप स्टेप टू को फॉलो करेंगे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कि आप टेबल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे टेबल्स ग्रुप में। देखिए मैं आपको यहाँ पर माउस कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टेबल्स ग्रुप है। और इसमें जैसे ही हम टेबल ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, आप देख सकते हैं। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो चुका है। स्टूडेंट्स नाउ स्टेप नंबर थ्री, क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रिड। हमें यहाँ पर ये जो ग्रिड दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमें क्लिक करना होगा एंड ड्रैग द माउस टू हाईलाइट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट इन द टेबल। आप टेबल में कितने रो और कितने कॉलम्स चाहते हैं उन्हें हाईलाइट करने के लिए आप माउस को ड्रैग करेंगे। जैसे माउस को ड्रैग करेंगे तो वो आपको हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगे। और देखिए आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल भी जितने आप रो और कॉलम्स को यहाँ पर हाईलाइट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। व्हेन यू रिलीज द माउस बटन, जैसे ही आप माउस बटन को छोड़ते हैं, माउस बटन को रिलीज करने के तुरंत बाद द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट। वो टेबल उतने ही रो और कॉलम्स के साथ में आपके डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई देने लगेगी। एंड टू न्यू टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। और जैसे ही टेबल आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपीयर होती है तो आपको रिबन पर यहाँ पर न्यू टैब्स अपीयर होंगे और वो टू टैब्स होंगे, कौन कौन से, डिजाइन एंड लेआउट। मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर माउस कर्सर की हेल्प से डिजाइन एंड लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, द डिजाइन टैब इज यूज टू स्टाइल द टेबल बाय एडिंग शेडिंग टू सम रोज एंड कॉलम्स। Select a border style, size and color and many other options that control the look of the table. Design tab का use किया जाता है table style का use करने के लिए, shading options को set करने के लिए, border style, size, color और भी बहुत सारे इसमें options दिए होते हैं जो कि table का look change कर देते हैं। तो हम यहाँ design tab का use करते हैं इसके लिए। On the layout tab, you can change the height and width of cells. रॉस और कॉलम्स, इंसर्ट और डिलीट एडिशनल रॉस और कॉलम्स एंड मर्ज सेल्स। आप लेआउट टैब पर यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं हाइट और विड्थ सेल्स की, सेल्स की हाइट्स और विड्थ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रॉ और कॉलम यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और यहाँ से सेल्स को भी आप मर्ज कर सकते हैं।
On the layout tab, you can change the height and width of cells, row or columns, insert or delete additional rows and columns and merge cells. आप layout tab पर देखें तो यहाँ से आप height और width भी change कर सकते हैं किसी भी cell की. Row और column की जो height और width है उसको भी adjust किया जा सकता है. अब हम बात करते हैं using insert table. Insert table का use करके हम using insert table, table का use करके हम यहाँ पर insert table एक feature मिलता है और इसका use करके भी हम table insert करा सकते हैं. This option lets you insert a table by selecting numbers of rows and columns. ये option आपको यहाँ पर show करता है कि आप इसका use करके row और columns को select करेंगे और select करने के बाद यहाँ से आप table को insert कर सकते हैं. To insert the table, follow the given steps. अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. नाउ यू कैन स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि टेबल को इंसर्ट कराने के लिए अगर हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं तो किस तरह से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. दिस ऑप्शन लेट्स यू इंसर्ट अ टेबल बाय सिलेक्टिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करके भी यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. टू इंसर्ट द टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. पहला स्टेप है स्टेप वन, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा. देन क्लिक ऑन टेबल ड्रॉप डाउन एरो इन टेबल्स ग्रुप. आप यहां पर टेबल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे जो टेबल्स ग्रुप में मिलता है आपको. स्टेप थ्री, क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल ऑप्शन. द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. यहां पर हम इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. देखिए मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं दिस ऑप्शन इज इंसर्ट टेबल. इस ऑप्शन का हम यूज करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है हमारे सामने. ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है. नाउ एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज यू वांट इन द टेबल. अब हमें यहाँ पर कॉलम और रो की जो नंबरिंग है यहाँ पर इनपुट करनी होगी. क्लिक ऑन ओके बटन. द टेबल अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं ये टेबल हमारे सामने अपीयर हो जाएगी. थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. और मैं समझता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को समझ लिया होगा. और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं. अपने घर पर प्रैक्टिस करें, चाहे आपके पास सिस्टम डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ऑल द बेस्ट. Thank you, students.